हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 12 फरवरी 2020 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स जो इम्पोर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस थ्रेटन्स ऑयल प्रोड्यूसर्स। देखो, कोरोना वायरस आउटब्रेक चल रहा है, हज़ार से ऊपर मौतें हो चुकी है, करीब करीब 35,000-40,000 कन्फर्म्ड केसेस निकल के आए हैं। एक यहाँ पे आउटब्रेक की समस्या आ ही रही थी कि ऑयल पे भी इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। चाइना में जिस तरीके से ऑयल का जो इम्पोर्ट था वो 20% तक घट गया है, और कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिलेगा। ये प्राइसेस डिस्टेबलाइज हो गई है, क्रूड प्राइसेस काफ़ी लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गई है। और आप देखोगे कि जिस तरीके से अगर डिमांड गिरती जाएगी तो जो आउटपुट है वो भी गिरता जाएगा। अब देश में मैं बात करता हूँ, दुनिया में ऑयल की प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती हैं, ऑयल की प्राइसेस डिटरमाइन होती कैसे हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो डिमांड सप्लाई, दूसरा ओपेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ होती है डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस होती है, इनविजिबल हैंड्स जिनको कहा जाता है इकोनॉमी के। बेसिकली अगर जैसे चाइना में जिस तरीके से आउटब्रेक निकला, ऑयल की डिमांड कम हुई तो ऑयल की प्राइस भी घटेगी। तो ये डिमांड और सप्लाई भी है जो प्राइस को डिसाइड करती है, और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ये मिलके भी कभी कभी स्ट्रेटेजिकली सप्लाई को रोकने की कोशिश करती है ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं। अब जिस तरीके से वायरस बढ़ रहा है उस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत कुछ लॉसेस इनको झेलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि ओपेक ही कंट्री जो हैं वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। कुछ कंट्रीज ओपेक प्लस भी होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कंट्री ओपेक का मेंबर नहीं है, हालांकि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, ये प्रोडक्शन करती है, उनको ओपेक प्लस कहते हैं। यूएसए रशिया है नहीं, अभी हम कंफर्म कर लेंगे। तो यूएसए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बचा हुआ है इस स्थिति से, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप होने की वजह से। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्रिएट किया गया था 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में। तो बगदाद कॉन्फ्रेंस ओपेक से जुड़ी हुई है, याद रखना 1960। परमानेंट इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसने इसको फाउंड किया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। क्या मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इसका मकसद है कि ऑयल की सप्लाई किसी तरीके से मैनेज की जाए ताकि ऑयल की प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में सेट की जा सके, फ्लक्चुएशंस अवॉइड की जा सकी। जैसे अभी वायरस आया है, अभी वायरस आउटब्रेक हुआ है, तो जिस तरीके से वायरस आउटब्रेक हुआ है, डिमांड कम हुई है, कंजप्शन कम हुआ है, तो ऑयल की सप्लाई भी रोकनी पड़ेगी। तो ओपेक कंट्रीज़ को आती हैं, मीटिंग करती है, देखती है कितनी सप्लाई रोकनी पड़ेगी। इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में। ओपेक मेंबर्स किसी भी कंट्री के लिए ओपन है, कोई भी इसकी मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन उसको ऑयल का सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की आइडियल्स को मानना पड़ेगा। अब जैसे जुलाई 2016 में करंट अफेयर है अपना, याद रखना कि गबन 1995 ने अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी थी, जुलाई 2016 में इसने वापस ज्वाइन कर लिया। तो लेटेस्ट मेंबर गबन, याद रखना। आज 2019 की मैं बात करूँ तो इसके 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इराक, ईरान, कुवैत, यूएसए, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबोन, इक्वेटोरियल जूनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वेडोर, वेनेजुएला। ये कंट्री आप याद रखो, नहीं रखो ये जरूर याद रखना कि जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है लेकिन ओपेक की मेंबर नहीं है, उनको ओपेक प्लस कंट्रीज़ कहा जाता है। ओपेक प्लस कंट्रीज़ आपकी रशिया, ओमान, साउथ सूडान, अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको। तो रशिया आपका ओपेक प्लस कंट्री में आता है, यूएसए आपका ओपेक कंट्री में आता है, आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ओपेक कंट्रीज़ हैं, देख लो, अल्जीरिया, लीबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत,
अब अच्छा एक चीज़ याद रखना कि साउथ अमेरिका में दो ही कंट्री है जो ओपेक की मेंबर है, वेनेजुएला इक्वेडोर। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि वेनेजुएला और इक्वेडोर साउथ अमेरिका में ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपेक के मेंबर हैं, ठीक है, वेनेजुएला और इक्वेडोर। हमने बात की ओपेक कंट्रीज की, ओपेक प्लस कंट्रीज की, अब हम बात करेंगे नीड फॉर फोरग्राउंड साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस। आज हमारे देश में कई मुसीबतें हैं, कई चैलेंजेस हैं, लेकिन सरकार अपना फर्ज निभा रही है। अब उसके अलग डिस्कशन होगा कि वो किस तरीके से निभा रही है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी देश की कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्टअप्स भी सोल्व करते हुए जा रहे हैं। जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी किसी न किसी तरीके से हमारे देश के चैलेंजेस को सोल्व करती हुई जा रही है। इस वजह से चाइना, यूएस और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट जो स्टार्टअप्स वाला कंट्री है वो है इंडिया। ये जो स्पिरिट है हमारे देश में इनोवेशन की, हमारे देश में हर जगह ही है, ऐसा नहीं है सिटीज़ में, गांवों में भी देखी जाती है, लेकिन गांव में सबसे बड़ी, जैसे आप गांव में देखोगे फार्मिंग में जा, फार्मिंग में सबसे ज़्यादा इनोवेशन होते हैं, लेकिन देखी जाती है कि जिस तरीके से फार्मिंग में इनोवेशन और गाँव में इनोवेशन होता है, उनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता, प्रॉपर उनको पैसा नहीं मिल पाता। इनोवेशन तो वो कर लेते हैं लेकिन उनका पेटेंट नहीं करा पाते मार्केट। अब देखो ठीक है, उनका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है देश की, अब जैसे एक आइडिया था मान लो जैसे प्लास्टिक से रोड बनाने वाला, हालांकि अब वो सरकार के द्वारा यूज में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई आइडियाज़ हैं जो मार्केट में नहीं आ पाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल, लेकिन कोई कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जो बनाने वाला है, इनोवेटर है, उसके पास भी इतना पैसा नहीं होता तो ये दब जाते हैं। तो ऐसे सैकड़ों जो है इनोवेशन हमारे देश में होते हैं। तो आज ये जो चैलेंज है हमारा कि हमारी स्टार्टअप्स को कैसे आगे प्रमोट किया जाए, उनके आइडियाज़ को मार्केट लेवल पे कैसे जोड़ा जाए, ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमको कुछ सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि कॉम्पिटिशन्स। इनमें एक है हमारा नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन NBEC। ये हमारे 36 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में 34 में होता है, अंडमान निकोबार में भी होता है। ये करंट अफेयर्स के लिए ये याद रखना कि फिल्म्स के लिए कि ये जॉइंट इनिशिएटिव है बिराक और सी कैंप के द्वारा। बिराक के बारे में जो है आप जान लो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च असिस्टेंट है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट नहीं, नॉन प्रॉफिट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है बिराक, याद रखना। बिराक की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके द्वारा इनिशिएटिव है नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन 2019 में 3000 हुए थे। दुनिया भर से तरह तरह के आइडियाज़, तरह तरह के इनोवेशन जो है आइडियाज़ लेके आते हैं अलग अलग तरह के लोग, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, फूड में, एनवायरनमेंट में, वाटर में, एनिमल हेल्थ में, अपनी मर्जी से इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं और फिर जो है उनका एप्लीकेशन करके देखते हैं। जो सबसे अच्छा आइडिया लेता है और उसका कितना इम्पैक्ट होगा इस हिसाब से देखा जाता है कि कौन जो है विनर होगा। अगर आइडिया गुड है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जाता है, इनोवेशन का नेटवर्क भी उसको प्रोवाइड किया जाता है, मेंटरशिप भी दी जाती है और फिर उसको अब मार्केट में उतारा जाता है। इसको और एरियाज़ में बढ़ाने की ज़रूरत है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी, डिफेंस, अर्बन डिज़ाइन, हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार सॉल्व करेगी, गवर्नमेंट हमारी इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगी, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी हाथ बढ़ाना चाहिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स के जरिए। हेल्थ डिज़ाइन, अर्बन डिज़ाइन और डिफेंस वाले सेक्टर में अर्बन डिज़ाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन डिज़ाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल सी लेवल बढ़ता जा रहा है और मुंबई जैसे शहरों की डूबने की आशंका पूरी पूरी है कुछ सालों में। 2030-2050 तक तो आधे डूबने की आशंका है मुंबई की। तो हम इस तरीके से अर्बन डिज़ाइन करना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से कम हम प्रभावित रहें। और हमारे लिए आसान नहीं है क्योंकि मैं अगर यूएसए की और ओल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूं तो अब अगर वो सिटीज़ में चेंज लाएंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से यूएसए क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारे लिए आसान बात है क्योंकि हमारी अभी अर्बन एरियाज़ इतने डेवलप नहीं हुए कि हम उनको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा डिज़ाइन में। हम अभी भी उनमें काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी डेवलप कंट्री को होगी। तो उसके लिए हमको प्राइवेट सेक्टर का हाथ लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने भरोसे कुछ भी नहीं कर सकती। एनर्जी में देख लो, डिफेंस में हमने जो है काफ़ी कुछ शुरू कर दिया, डिफेंस एक्सपो हुआ था अभी, हमने जो है DRDO एक्सपेक्ट करते हैं हम कि अब एक्सपोर्ट करना हम चालू कर देंगे।
हम पहले फ्रेमवर्क देखते हैं इस कंपटीशन के जरिए, फिर उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखते हैं, फिर उसको मार्केट में जोड़ते हैं इस आइडिया के जरिए। अब आइडिया जनरेट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे प्रॉब्लम, और उसको मार्केट में उतारना उससे भी बड़ी चीज़ होती है। आपके पास एक आइडिया आ जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, वो अच्छी बात है, मुश्किल बात है, लेकिन जब आप उसको मार्केट में उतारोगे, उसको एक्शन में लाओगे, तो वो उससे भी बड़ी हार्ड चीज़ है। क्यों? पैसा, फाइनेंस, इकोसिस्टम नहीं मिल पाता। स्टार्टअप खोलने जाओगे, तरह तरह की मुसीबतें, डॉक्यूमेंट्स, लोग सवाल पूछेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, क्या है क्या नहीं है, तो आपको मेंटरशिप, आपको ये भी नहीं पता आपको लॉस कितना, प्रॉफिट कितना झेल सकते हो आप, तो मेंटरशिप आपको चाहिए। तो ये पूरा जो है इस कॉम्पिटिशन के जरिए, कॉम्पिटिशन नहीं है एक तरीके का कि विनर जीत गए चलो प्राइज दे दिए, इस ये जो कॉम्पिटिशन जो NBC है इसके अंदर पूरी तरीके से उनको मेंटरशिप दी जाती है, लीडरशिप दी जाती है, स्किल दी जाती है, और उनको कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज करने की कोशिशें की जाती है। तो देश में आज ज़रूरत है कि हम 2030 तक $10 trillion की GDP बनना चाहते हैं, तो इस तरह का मॉडल जो कि इनोवेशन टैलेंट को उजागर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़े, सरकार के साथ जोड़े, इंडस्ट्री के साथ जोड़े, इनोवेशन हब के साथ जोड़े, ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी नेशन बिल्डिंग मोड में हैं। हम 2025 तक $5 trillion की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हमको गेम चेंजिंग आइडियाज़ चाहिए। हमारे पास चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, इन सब में हमको प्राइवेट सेक्टर की मदद पड़ेगी, इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो आशा है कि इस पे और भी आगे काम किया जाएगा। चलिए एक और आर्टिकल पढ़ लेते हैं। हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें इलेक्शन के ऊपर आया कि किस तरीके से रिजल्ट आया है और अब जो आपकी सरकार होगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, उसके पास क्या चैलेंज होगा। हालांकि दिल्ली की सरकार की जो तारीफ होती है उस मामले में होती है कि इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी प्रॉफिट में थी, फिस्कल डेफिसिट सबसे कम है देश में फिस्कल डेफिसिट। हालांकि फिस्कल डेफिसिट अब बिगड़ता ही जा रहा है इनका, तो देखना पड़ेगा कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन इनको अब करना पड़ेगा कि पैसा जो है वो और कहीं से भी अब आता जाए, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि ये हमारी UPSC के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। हाउ वाइड इज़ द जेंडर गैप इन साइंस। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स मनाया जाता है इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है, ताकि जो ये देख सके कि वुमेन और गर्ल्स का पार्टिसिपेशन साइंस में कितना है, देश की विज्ञान में कितना है, इनोवेशन में कितना है, टेक्नोलॉजी में कितना है। जितने हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस हुए हैं वो वुमेन रही हैं, लेकिन मेल काउंटर पार्ट्स से कम इनकी रिप्रेजेंटेशन रही है। कई कारण है इसके, ये डाटा पूरे इस आर्टिकल में है, लेकिन मैं आपको ऊपर से मेंस के लिए बता देना चाहता हूँ कि जेंडर गैप हमारा क्यों है। साइंस की बात करने से पहले मैं ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो था माइंडसेट का। माइंडसेट एक फैक्टर है पॉवर्टी दे, अगर हमारे देश में इतनी गरीबी है जिसमें खाने को लोगों को नहीं मिलता, करीब 19-20 करोड़ लोग रात को भूखे सो जाते हैं, उस देश में लड़कियाँ छोड़ो लड़कों को भी पढ़ाना भेजना बहुत मुश्किल है। मान लो कोई गरीब परिवार है जो कम से कम थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेता है पढ़ाई का, तो वो हमेशा प्रेफरेंस देता है लड़के की पढ़ाई को बजाय कि लड़की की पढ़ाई को। एक माइंडसेट बना हुआ है जिसको तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, फिजिकल जो चैलेंज आते हैं, मतलब स्कूलें जो रहती हैं वो बहुत दूर रहती हैं घरों से, तो लड़कियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता। इसका भी एक कारण है कि जो सिक्योरिटी है, जो हमारे देश में समस्याएं बढ़ रही है रेप्स की, मर्डर्स की, और जो हिंसा हो रही है वुमेन के खिलाफ, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। एक फैक्टर ये भी है कि वुमेन को मान लो अगर एजुकेशन दे भी दिया जाता है, मान लो वो दूर कॉलेज में चली भी जाती है, मान लो उसको कोई व्हीकल भी मिल जाता है, तो उसको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है कि बेटा तू आर्ट्स ले, साइंस मत ले। ये सब आप मेंस में लिख सकते हो, आर्ट्स ले, हमेशा आर्ट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वुमेन मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, इनोवेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप्स के लिए सही नहीं है, इंजीनियर और डॉक्टरिंग के लिए सही नहीं है, आर्ट्स ले लेगी, होम साइंस ले लेगी, हैं घर में आके। और एक फैक्टर ये भी है कि वुमेन को अगर इतना पढ़ा लिखा भी दोगे, मान लो कोई गरीब परिवार अगर या फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली पैसा लगा भी देती है, तो वो करनी तो उसको शादी है। ये जो सोच बनी हुई है देश में कि करनी तो उसको शादी है, तो वो पैसा लौट के आएगा नहीं, उल्टा लड़के को पढ़ाओगे तो लड़का जो है पैसा ला के देगा, हमारा ख्याल रखेगा। तो एक माइंडसेट बना हुआ है, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। एक फैक्टर ये भी है कि स्कूल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल्स में भी लड़कों को ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती है। हालांकि अभी देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि लड़कियां टॉप कर रही हैं देश में, जगह जगह जो स्टेट बोर्ड होते हैं उन पे लड़कियां टॉप कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको काफ़ी कुछ इनको देना पड़ेगा, काफ़ी कुछ हमको सहायता देनी पड़ेगी।
गवर्नमेंट जो है स्कूल से बात करे, स्कूल प्राइवेट स्कूल से बात करे, गवर्नमेंट स्कूल से बात करे कि गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बढ़ाई जाए, ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? आपको पता है हमारी जेंडर गैप इंडेक्स आती है, जेंडर गैप रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 से एनुअली आ रही है। 2020 वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी रैंक आई थी 112th। तो ये जो रैंक आई थी ये इतनी बुरी रैंक है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। लेकिन जेंडर गैप को एक ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो किसी तरीके से जो ओवरऑल माइंडसेट है खास करके रूरल एरिया में वो चेंज की जाए, कि जो टॉपर्स हैं गर्ल्स वगैरह जो टॉपर आती हैं स्कूल में उनके पोस्टर ही पोस्टर लगाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। सरकार स्कॉलरशिप वगैरह वुमेन को ज़्यादा दें इन कंपेरिजन टू मैन, मेल से ज़्यादा फीमेल को स्कॉलरशिप दें, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करवाएं, ताकि और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट है उनकी व्यवस्था भी होए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, कैंपेन्स हो, स्कूल्स में फेस्टिवल्स हो जिनमें लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन रहे। एक चीज़ ये भी है कि जो स्कूलों में हॉस्पिटल स्कूल्स जो होती हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ना किसी तरीके से सुधारा जाए, टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाए साफ़ सुथरे रहें, क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह साफ़ सुथरे रहेंगे तो जो गर्ल्स होती हैं उनका कंफर्ट उनको काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और एक बड़ी वजह यह है कि स्कूल्स में गर्ल्स इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब रहता है। साथ में ये भी देखा जाए कि जो वुमेन के द्वारा स्टार्टअप्स चलाए जाते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए। ऐसा नहीं है कि भेदभाव आप करो और बिल्कुल जो अच्छा स्टार्टअप है मेल के द्वारा वो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। लेकिन फीमेल के द्वारा स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जाए, तो फीमेल के द्वारा स्टार्टअप्स अगर प्रमोट होंगे तो मेल के द्वारा तो अपने आप ही होंगे। तो कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं सरकार के सामने, देश के सामने, जो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। God bless you all.